गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम इन योर बिजनेस स्टडीज वीडियो। बिजनेस स्टडीज के अंदर हम लोग हमारा चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे थे क्लास, एंड इसके अंदर हम लोग हमारी दो वीडियोस बना चुके हैं जिसमें मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक समझाए हैं, जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, कौन कौन से डिसीजन हम लोगों को लेने चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। ये कुछ टॉपिक्स थे जिनकी डिटेलिंग हम लोग बहुत अच्छे से सीख कर आए हैं पिछली दो वीडियोज में। आई होप कि वो वीडियोज आपने देख ली होंगे और उन टॉपिक्स को समझ लिया होगा। अब हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का पढ़ने जा रहे हैं क्लास, जो है फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। ये आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास। अब मैं मेरा स्टार्ट कर रही हूँ इसमें से पहला टॉपिक, दैट इज योर फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हमें दिमाग में रखने चाहिए जब हम लोग फिक्स्ड कैपिटल को चूज करते हैं। सो क्लास आइए, सबसे पहले फिक्स्ड कैपिटल होता क्या है। इट इज अ एलोकेशन ऑफ फर्म्स कैपिटल टू लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड प्रोजेक्ट, यानी कि हम लोग किस तरीके से हमारे फर्म के कैपिटल को एलोकेट करें, यानी कि हम लोग कहाँ पे लगाएं ताकि हम लोगों को लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर हमारा पैसा जाए। हमें जहाँ पे भी हम पैसा लगा रहे हैं वहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है, और जब हम लॉन्ग टर्म के लिए हमारा पैसा लगाते हैं, हमारी फर्म के कैपिटल को एलोकेट करते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स या प्रोजेक्ट्स में, तो वो होता है हमारा फिक्स्ड कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों का परचेज ऑफ लैंड, लैंड परचेज करनी है, भाई ऐसे जगह पे लैंड परचेज करें ना जहाँ से हमें रिटर्न अच्छा खासा मिले। हमें मशीनरी लेनी है तो हम लोग ऐसी मशीनरी लें जिससे हमारी प्रोडक्शन भी मैक्सिमम हो और हमारी कॉस्ट भी कम पड़े प्रोडक्शन की। तो इस तरीके से चीजें खरीदी जाती है, इस तरीके से एलोकेट किया जाता है फर्म के कैपिटल को लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म एसेट्स या प्रोजेक्ट में, ताकि रिटर्न में भी हमें अच्छा पैसा वापस मिले एक्सेट्रा। इन्वेस्टमेंट इन दीज एसेट्स इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड। जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं इन एसेट्स के अंदर, फॉर एग्जाम्पल फिक्स्ड एसेट्स के अंदर, तो हमारी जो अमाउंट होती है वो बहुत ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व होती है। दीज डिसीजंस अफेक्ट द ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फर्म। ऑब्वियसली बात है, अगर आपने एक ऐसी जगह लैंड ले ली जहाँ पे कोई नहीं रहता, जहाँ पे कोई नहीं आता, कुछ नहीं होता, क्या फायदा उस लैंड का। आपने ऐसी मशीनरी ले ली जिसके अंदर लेबर की जरूरत ज्यादा पड़ रही है, तो मशीनरी में पैसा लगाया, ऊपर से लेबर इंटेंसिव में भी पैसा लगाया, क्या फायदा हुआ। आप ऐसी इंपोर्टेंट मशीन लीजिए ना जिसमें एक लेबर एक वर्कर काम करेगा और आपके काफी सारे प्रोडक्शन एक साथ होकर आएंगे। आपके अगर रॉ मटेरियल आप लगाते हैं तो आपका जो फाइनल गुड निकल कर आएगा वो एक साथ अपने आप आएगा, उसमें लेबर की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से हमारी ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों चीजें इस फिक्स्ड कैपिटल के ऊपर डिपेंड करती है क्लास। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल बजटिंग, इसे कैपिटल बजटिंग भी कहा जाता है। मैनेजिंग फिक्स्ड कैपिटल रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फिक्स्ड कैपिटल को कैसे मैनेज करना है, ये हमेशा हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेट करता है। याद करिए, हम लोग अभी हमारे फर्स्ट वीडियो के अंदर तीन डिसीजन पढ़कर आए थे जिसमें से एक डिसीजन था हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन था ना, तो वही इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें हमारा कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल कैसे मैनेज करना है, कहाँ लगाना है ताकि हमारी कंपनी की ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी हो। नेक्स्ट बोल रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अब कौन कौन से फैक्टर्स हमें माइंड में रखने हैं जब हमें फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो। ध्यान दीजिएगा क्लास, सबसे पहले हमारा नेचर कैसा है बिजनेस का, इसका मतलब हमारा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या ट्रेडिंग कंपनी है। अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो भाई हम लोगों को फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, उस केस में हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट चाहिए, मशीनरीज चाहिए ताकि हम लोगों की प्रोडक्शन ज्यादा हो। लेकिन अगर मेरी ट्रेडिंग कंपनी है तो ट्रेडिंग कंपनी के अंदर हम लोगों को फिक्स्ड कैपिटल की इतनी नीड नहीं होती है, भाई ट्रेड कर रहे हैं नॉर्मली, ला रहे हैं बेच रहे हैं ला रहे हैं, क्या जरूरत है। अगर मैं कुछ मैन्युफैक्चर कर रही हूँ तो मुझे बहुत जरूरत है, लैंड चाहिए प्लांट के लिए, मशीनरी चाहिए, फिर उसके अंदर फिर रॉ मटेरियल, बहुत सारी प्लांट्स, ये क्या कहते हैं, आप लोगों को ये चीजें चाहिए होती है, आपके फिक्स्ड कैपिटल चाहिए होती है अपने प्रोडक्शन करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर। लेकिन ट्रेडिंग कंपनी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपने ट्रेडिंग में लाया सामान और बेचा, लाया बेचा, इतना ही तो करना है बस आपको। इसलिए नेचर आपके बिजनेस का क्या है ये आपको बताना जरूरी है। नेक्स्ट है आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन के अंदर बोल रहे हैं कंपनी ऑपरेटिंग एट लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस। आपकी कंपनी बड़े स्केल पे ऑपरेशंस कर रही है, यानी कि बड़े स्केल पे बिजनेस कर रही है, छोटे स्केल पे कर रही है। अगर बड़े स्केल पे कर रही है तो ऑब्वियसली बात है आपको फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा चाहिए, अगर आपका बिजनेस छोटा है तो आपको लेस फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए क्लास। आगे टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, आप कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हो क्लास प्रोडक्शन के लिए। आप प्रोडक्शन के लिए कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हो या लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हो। अगर तो आप कैपिटल इंटेंसिव का मतलब है जिसके अंदर हम लोग हमारे मशीनरीज, जिसके अंदर हम लोग हमारे जो कैपिटल्स होते हैं उनको ज्यादा यूज करते हैं, जो कैपिटल रिसोर्सेज होती है
को हम लोग फाइनेंशियल सॉरी कैपिटल रिसोर्सेज को हम लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं एज कम्पेयर टू हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज. तो कैपिटल इंटेंसिव के अंदर ऑब्वियसली बात है, जब हम लोग यूज ही कैपिटल कर रहे हैं, यूज ही मशीनरी कर रहे हैं टेक्निक, तो हमें एक ज्यादा कैपिटल की जरूरत है फिक्स्ड कैपिटल की. लेकिन जहां पे हम लोग लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हैं, ऐसी टेक्निक जहां पे भाई लेबर की जरूरत ज्यादा है, लेबर उस काम को ज्यादा अच्छे से कर सकती है, तो उस केस के अंदर हम लोग क्यों फिक्स्ड कैपिटल में पैसा लगाएंगे भाई? उस केस में हम लेबर को रखेंगे, लेबर को सेल क्या कहते हैं आपके वेजेस देंगे हम लोग. तो इसलिए डिपेंड करता है कि आप कौन से टेक्निक यूज कर रहे हो, कैपिटल टेक्निक या फिर लेबर टेक्निक. अगर कैपिटल टेक्निक तो आपको ज्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत है, लेबर टेक्निक तो आपको लेस फिक्स कैपिटल की जरूरत है. नेक्स्ट आपको क्या ध्यान में रखना है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन क्लास. इसमें क्या बोल रहा है, इंडस्ट्रीज वेयर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इज फास्ट, मोर फिक्स कैपिटल, न्यू टेक्नोलॉजी, ओल्ड मशीनरी, अब्सोल्यूट्स नीड टू बाय न्यू मशीनरी. वो ये बोल रहे हैं जिन जो इंडस्ट्रीज बिल्कुल अप टू डेट रहती हैं, जिनको पता है कि मार्केट के अंदर अब नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, नई टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन हो चुकी है, वो इंडस्ट्रीज क्या करती हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल खरीदेंगी कि भाई अच्छा अब ऐसी मशीन आ गई तो हम वो खरीदते हैं. हमें प्रोडक्शन, अगर जहां पे एक मशीनरी सिर्फ 10 आपके प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कर रही थी, वहीं पे ही सेम प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के लिए दूसरी मशीनरी आई है, न्यू टेक्नोलॉजी आई है, जिसमें हम 20 प्रोडक्ट्स बना सकते हैं एक घंटे में. और पहले वाली मशीनरी में, ओल्ड मशीनरी में, हम लोग उसी सेम मशीनरी से एक घंटे में सिर्फ 10 प्रोडक्ट बना पा रहे थे. तो देखो कितना फर्क है, 10 प्रोडक्ट का फर्क आ गया ना. तो जो इंडस्ट्रीज इन चीजों में बहुत फास्ट है, वो ज्यादा फिक्स कैपिटल को यूज करेगी, मोर फिक्स कैपिटल, न्यू टेक्नोलॉजी वो खरीदेगी, और जो ओल्ड मशीनरी है उनको बेच देगी और उसके जगह पे अपना न्यू मशीनरी को खरीदना स्टार्ट कर देगी. लेकिन इंडस्ट्रीज वेयर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इज स्लो, जिन इंडस्ट्रीज में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्लो है, जिन्हें नहीं पता चल पाता है कि हाँ भाई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, जो इंडस्ट्रीज लेट है उस केस में लेस फिक्स कैपिटल होती है और कैन मैनेज विद ओल्ड मशीनरी. भाई वो लोग अपनी वही पुरानी मशीनरी से काम चलाते हैं कि कोई बात नहीं, जब सस्ती होगी हम तो तब खरीद लेंगे. तो ये चीज हो जाती है. तो इसीलिए इंडस्ट्री पे भी डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी कौन सी यूज कर रहे हो, किस टाइप की इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फास्ट है या फिर स्लो है. आगे बढ़ती हूँ. नेक्स्ट हमें ध्यान में रखना है हमारी ग्रोथ प्रोग्रेस कैसी है, ग्रोथ प्रोसेस कैसी है क्लास. अब देखो, कंपनी विच आर एक्सपेंडिंग हैव हाई ग्रोथ प्लान्स, मोर फिक्स्ड कैपिटल. अब जिस कंपनी को सोचना है भाई मुझे तो मेरा ग्रोथ करनी है, मेरी कंपनी की जल्दी से जल्दी ग्रोथ होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ होनी चाहिए, तो वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल में पैसा लगाएगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो. वो ये सोचेगा कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो, प्लांट एंड मशीनरी खरीदो. ज्यादा से ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल में पैसा लगा होता कि प्रोडक्शन ज्यादा हो, सेल्स ज्यादा हो, प्रॉफिट ज्यादा है और मेरी कंपनी की ग्रोथ हो. तो ये चीजें भी डिपेंड करती हैं फिक्स्ड कैपिटल के ऊपर कि ग्रोथ प्रोसेस आप कैसा चाहते हो अपनी कंपनी का, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा, या नहीं मेरी ठीक है हमारी एक कंपनी है उसी में हमारा सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, या इस तरीके से चाहते हो. नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड लीजिंग फैसिलिटी, किस तरीके से आपको लीजिंग और फाइनेंस फैसिलिटी मिलती है क्लास. इजिली अवेलेबल है या नॉट इजिली अवेलेबल है. इजिली अवेलेबल है तो लेस फिक्स कैपिटल लगता है, और नॉट इजिली अवेलेबल है तो मोर ज्यादा फिक्स कैपिटल लगता है. अगर इजी है और फिक्स कैपिटल कम लग रहा है, इट मीन्स कंपनी कैन एक्वायर एसेट्स ऑन इजी इंस्टॉलमेंट इंस्टेड ऑफ पेइंग ह्यूज अमाउंट एट फॉर वन टाइम. उस केस में क्या करेगी, जब आपको इजिली आपको पता है कि हाँ भी मुझे कैपिटल मेरे को मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे फिक्स कैपिटल चाहिए, उसको फिक्स कैपिटल में कम पैसा लगाना है, तो वो क्या करेगा, वो ये सोचेगा यार एक टाइम में क्यों पैसा दूं जब मुझे इतनी जरूरत ही नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ लीज पे खरीद लेता हूँ, या फिर क्या कहते हैं धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट में ले लेता हूँ और धीरे धीरे करके पे करता रहूंगा, क्या जरूरत है इतनी जल्दी एक टाइम में पेमेंट करने की इतनी बड़ी. वहीं पर ही जब नॉट अवेलेबल होता है आपका तो ज्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत होगी और कंपनी हैव टू बाय ऑल एसेट्स बाय पेइंग ह्यूज अमाउंट. फिर उस केस में कंपनी क्या करती है कि एक ही टाइम में, चाहे 10 लाख की मशीनरी हो चाहे 20 लाख की मशीनरी हो, कंपनी उसी टाइम में पैसा पे करेगी और मशीनरी उठा के ले आएगी, अपना कैपिटल फिक्स कैपिटल को उठा के ले आएगी. आई होप कि ये 6 पॉइंट समझ में आ गए होंगे. अब हम लोग 7 पॉइंट देखते हैं. Yes, class. 7th point है हमारा joint ventures और collaborations. ध्यान दीजिएगा, अगर कंपनी प्रेफर करती है joint venture और collaboration, अगर कंपनी कहती है चलो भाई ए और बी दो कंपनीज है, दोनों ने कहा कि हम दोनों मिलकर joint venture कर लेते हैं या collaboration कर लेते हैं, तो कुछ fixed capital ए के पास होंगे, कुछ fixed capital बी के पास होंगे, तो दोनों आपस में क्या करेंगे, लेस फिक्स कैपिटल की जरूरत होगी, कैन शेयर प्लांट एंड मशीनरी विद अदर कंपनी. ए जो है बी के साथ शेयर करेगी, बी जो है वो ए के साथ शेयर करेगी. तो यहाँ पे हमें फिक्स कैपिटल के अंदर पैसा कम लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना. वहीं पर ही अगर इंडिपेंडेंट यूनिट है, अगर खाली ए अलग है बी अलग कंपनीज है, दोनों अलग अलग कंपनीज है, उस केस में आपको फिक्स कैपिटल में ज्यादा
पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। आगे बोल रहे हैं लास्ट पॉइंट है, लास्ट फैक्टर है डाइवर्सिफिकेशन का, हैव प्लान्स टू डाइवर्सिफाई देयर एक्टिविटीज। अगर आपने सोच रखा है एक आपका सेटअप दिल्ली में है, अब आप मुंबई में करना चाहते हो, फिर कोलकाता में करना चाहते हो, बेंगलोर में करना चाहते हो, डाइवर्सिफाई करना चाहते हो अगर अपने बिजनेस को, आपकी एक्टिविटीज को डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, तो उस केस में ऑब्वियसली बात है आपकी फिक्स कैपिटल क्या हो जाएगी, ज्यादा चाहिएगी आपको, एंड इट रिक्वायर्स मोर प्लांट एंड मशीनरी विच मीन्स मोर फिक्स्ड कैपिटल। तो क्लास ये कुछ फैक्टर्स थे, मैंने 8 फैक्टर्स बताए आप लोगों को जो कि आपके फिक्स्ड कैपिटल आपको कब ज्यादा चाहिए और कब कम चाहिए, यही चीजें देखकर आपको डिसाइड करना है। अब मैं बढ़ती हूँ मेरा सेकंड पॉइंट पे, दैट इज योर वर्किंग कैपिटल। अभी हमने फिक्स्ड कैपिटल अच्छे से पढ़ा क्या होता है, उसके फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, अब हम पढ़ रहे हैं वर्किंग कैपिटल क्या होता है। आप लोग अकाउंट्स के अंदर जब रेशियो चैप्टर करा होगा, आप लोगों ने वर्किंग कैपिटल बहुत अच्छे से देखा होगा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी यही होता है। तो वही वाला वर्किंग कैपिटल ये है क्लास, ये कोई अलग से नहीं आया उड़के कि हाँ भाई ये कुछ अलग है, नहीं, ये भी वही वाला वर्किंग कैपिटल है, बस फर्क इतना है यहाँ हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, वहां हम रेशियो के फॉर्म में पढ़ते हैं। आइए, द कैश करंट एसेट्स अवेलेबल इन टोटल कैपिटल ऑफ बिजनेस, जो हमारी टोटल कैपिटल होती है उसमें से जो करंट एसेट्स होते हैं या कैश होता है वो कहलाता है हमारा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी, दैट इज योर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब इसके अंदर दो टाइप के होते हैं, ग्रोस होता है और एक नेट होता है, ग्रोस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल, ये दो चीजें क्या क्या होती है पहले ये देखते हैं, फिर इसके भी हम लोग फैक्टर्स देखेंगे कि वर्किंग कैपिटल को कैसे ध्यान में रखना है, आपको कहां कैसे यूज करना है, उसके फैक्टर्स को हम लोग पढ़ेंगे ध्यान में रखेंगे। तो पहले आप ग्रोस वर्किंग कैपिटल के ऊपर क्लास, इन्वेस्ट इन करंट एसेट्स, कैश, इन्वेंटरीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, जब हम लोग इन सब चीजों में इन्वेस्ट करते हैं वो हमारा ग्रोस वर्किंग कैपिटल कहलाता है, कैन गेट कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन एन अकाउंटिंग ईयर। वहां पे पैसा इन्वेस्ट करना जहां से आप एक साल के अंदर, फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर अंदर, आप अपने उस चीज जिसके अंदर आपने इन्वेस्ट कराया वहां से आप अपना कैश में कन्वर्ट करवा सको उस पैसे को, वो होता है आपका ग्रोस वर्किंग कैपिटल। अब देखो क्लास, एग्जाम्पल ऑफ करंट एसेट्स इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी फॉर्म। अब देखो अकाउंट्स में आप लोगों ने लिक्विडिटी फॉर्म जरूर पढ़ी होगी करंट एसेट्स की, वही सेम फॉर्म यहाँ पे है। सबसे पहले कैश इन हैंड और कैश एट बैंक आता है, उसके बाद आपके डेटर्स आते हैं, देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, आफ्टर दैट फिनिश्ड गुड्स इन्वेंटरीज, बिल रिसीवेबल, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। यही आपका ऑर्डर जो है लिक्विडिटी का, जो ऑर्डर है आप लोगों का करंट एसेट्स इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, सेम आपके अकाउंट्स में और सेम आपके बिजनेस में। आगे बढ़ती हूँ, अब नेटवर्किंग कैपिटल क्या होता है। नेटवर्किंग कैपिटल का मतलब होता है वेयर एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी, जहां पे हम लोग करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करते हैं। करंट लायबिलिटी आर टू बी पेड विद इन एन अकाउंटिंग ईयर, एग्जाम्पल बीपी क्रेडिटर्स, वो करंट लायबिलिटी जिन करंट लायबिलिटी को आप एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर पेड आउट कर देते हैं, उनको आप लॉन्ग टर्म पे नहीं रखते हैं, वो करंट लायबिलिटीज कैन बी नेगेटिव। अब एक बात बताओ, ये कब नेगेटिव होगी, कब आपकी लिक्विडिटी पोजिशन जो है आपकी कंपनी की पुअर कहलाएगी, जब आपकी लायबिलिटी जो करंट लायबिलिटी है वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू करंट एसेट्स, वहीं पर ही वो पॉजिटिव कब इम्प्लाइज करेगी, जब आपकी लिक्विडिटी पोजिशन जो है वो पॉजिटिव कब आएगी, जब आपकी करंट एसेट ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू करंट लायबिलिटी। तो ये मैंने डिटेलिंग बताई है थोड़ी सी वर्किंग कैपिटल के बारे में, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल के बारे में। अब इसके भी फैक्टर्स देखते हैं क्लास हम लोग, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं जब हम लोग वर्किंग कैपिटल को चूज करें। सो क्लास आइए, सबसे पहले है लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, आपकी ऑपरेटिंग साइकिल की लेंथ कैसी है। याद करिए अकाउंट्स में हम लोग ऑपरेटिंग साइकिल चैप्टर फर्स्ट में बहुत अच्छा, वॉल्यूम थर्ड के चैप्टर फर्स्ट में बहुत अच्छे से कर आए थे। क्या ऑपरेटिंग साइकिल यानी कि कब आपने अपना पैसा रॉ मटेरियल में लगाया और वो पैसा आपके पास रॉ मटेरियल से कन्वर्ट होके फिनिश्ड गुड्स में जाके और फिर आपके पास वापस आया वो पैसा। ये पूरी जो साइकिल थी, ये पूरे जो मंथ है, जो हमने 13 मंथ्स हम लोगों ने देखे थे कि ऑपरेटिंग साइकिल के 13 मंथ्स होते हैं, वही ऑपरेटिंग साइकिल यहाँ पे आई है क्लास। अब ये क्या कह रही है, टाइम पीरियड इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, ऑपरेटिंग साइकिल लॉन्ग और ऑपरेटिंग साइकिल शॉर्ट, दोनों चीजें। अब जो टाइम पीरियड है, स्टार्ट कब होता है, अभी मैंने बताया जब हम लोग पैसा लगाते हैं हमारा रॉ मटेरियल परचेज करने में, और एंड कब होती है, जब आपको वो पेमेंट रिसीव हो जाती है सेल करने के बाद। आपने रॉ मटेरियल खरीदा फर्स्ट स्टेप पे, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करवाया, पहले आपने उसको क्या कहते हैं वर्किंग प्रोग्रेस में गया, वो आपके उसके अंदर गया फैक्ट्री के अंदर, फिर उसके बाद वो क्या होगा फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा, फिर फिनिश गुड में कन्वर्ट होने के बाद आप बेचने के लिए उसे मार्केट में भेज दोगे, मार्केट में बेचने के बाद आप उधारी रखोगे, उधारी के बाद जब आपके पास वापिस वो पैसा आएगा
जब आपके पास वो पैसा वापस आ गया, ये पूरी जो साइकिल हुई, ये ऑपरेटिंग साइकिल हुई, वो यही बोल रहा है, स्टार्ट होते हैं रॉ मटेरियल खरीदने से और खत्म होता है जब हम लोग हमारा पैसा रिसीव कर लेते हैं पूरा सेल करने के बाद। क्लियर है? अब वो बोल रहे हैं ऑपरेटिंग साइकिल लॉन्ग कब होती है और शॉर्ट कब होती है, ये दो चीजें हमें देखनी है। तो पहली चीज, मोर वर्किंग कैपिटल, जहां पे आपकी वर्किंग कैपिटल ज्यादा होती है ना, यानी कि आपको कैश की जरूरत ज्यादा होती है, वहां पे ऑपरेटिंग साइकिल, जहां पे आपकी ऑपरेटिंग साइकिल लॉन्ग है, जिस केस में आपकी ऑपरेटिंग साइकिल जो लॉन्ग होती है ना, मान लो वो 15 महीने के लिए 20 महीने के लिए खिंच जाती है, उस केस में हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत ज्यादा होती है, कैश की ज्यादा जरूरत होती है। और जहां पे आपकी ऑपरेटिंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल शॉर्ट होती है ना क्लास, उस केस के अंदर हमें कैश की यानी कि वर्किंग कैपिटल की कम जरूरत होती है। सेकेंड पे आती हूँ, नेचर ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस का नेचर कैसा है आपका, ट्रेडिंग कंसर्न है या होलसेलर है या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तीन टाइप के आप अब देखोगे कि तीन जगह पे जिस जो हमने जो भी फिक्स्ड कैपिटल करा था उसमें हमने नेचर दो तरीके का देखा था, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन यहाँ पे तीन है। ट्रेडिंग कंसर्न दैट इज योर रिटेल शॉप है, जिसके अंदर कम वर्किंग कैपिटल लगता है, क्यों, क्योंकि लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो कम होती है, जो आपके रिटेलर शॉप्स हैं, शॉप वाले हैं, सामान लाया बेचा और कम सामान लेकर आते हैं, बहुत बल्क में नहीं लाते हैं कि बहुत ज्यादा सामान ले आते हैं, तो उनको कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। वहीं पे जो होलसेलर होते हैं क्लास, होलसेलर का क्या काम होता है, बल्क में सामान लाना, वो सामान लाके रख लेते हैं, तो उनको वर्किंग कैपिटल की ज्यादा नीड होती है, मोर वर्किंग कैपिटल होती है देन रिटेलर, मेंटेन लार्ज स्टॉक, सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, ऑपरेटिंग साइकिल इज योर लार्ज। इसके अंदर क्या होता है, आपका जो ऑपरेटिंग साइकिल होती है वो बड़ी होती है होलसेलर के उसके अंदर। अब लास्ट बात करती हूँ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इसमें भी मोर होती है, क्यों, बिकॉज दे कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, सेल ऑन क्रेडिट। पहले क्या करेंगे, रॉ मटेरियल खरीदेंगे, फिर उसको वर्क इन प्रोग्रेस में भेजेंगे, फिर वो बनेगा, बनने के बाद फिर वो गोडाउन में आएगा, आपका गोडाउन से फिर वो मार्केट में जाएगा, और फिर मार्केट में जाने के बाद फिर वो बिकने के लिए जाएगा, और बिकने पे उधारी, देखो कमाल की बात, हर कोई कैश तो देगा नहीं आपको, कोई ना कोई उधारी पे भी लेगा, तो जब उधारी पे लेगा वो उधारी का पैसा कब आएगा, जब आएगा तब आपकी ऑपरेटिंग साइकिल पूरी होगी। तो इस तरीके से हम लोग नेचर भी देखते हैं हमारा, कि बिजनेस का नेचर कैसा है, उससे भी हमें पता चलता है कि हमारी वर्किंग कैपिटल कम लग रही है या आपकी ज्यादा लग रही है, इसमें मोर थी और इसमें भी मोर थी। आगे के फैक्टर्स देखते हैं। यस क्लास, थर्ड पॉइंट है स्केल ऑफ ऑपरेशन। अब हमें ये भी तो देखना है कितना बड़ा आपका क्या कहते हैं बिजनेस है, उसका कितना स्केल है ऑपरेशन का। अब देखिए क्लास, अगर बड़ा बिजनेस है, लार्ज है, तो वर्किंग कैपिटल भी ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा लगेगी, क्योंकि इन्वेंटरीज में पैसा लगेगा, डेटर्स में पैसा लगेगा, तो कितना सारा आपका कितना वर्किंग कैपिटल चाहिएगा। वहीं पे अगर हमारा जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है वो कम है, यानी कि जो बिजनेस है वो छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, स्मॉल स्केल ऑफ ऑपरेशन है, तो वर्किंग कैपिटल ऑटोमेटिकली हमारी कम हो जाएगी। नेक्स्ट फैक्टर देखना है बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन। अब फ्लक्चुएशन कितनी होती है आपके बिजनेस में, अगर आपका बिजनेस बूम पे है, बहुत अच्छा चल रहा है अगर आपका बिजनेस क्लास, तो मोर डिमांड, ज्यादा ज्यादा डिमांड होगी, प्रोडक्शन ज्यादा करनी पड़ेगी, आपके पास स्टॉक ज्यादा होगा, तो उस केस में वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा हो जाएगी, मोर हो जाएगी। लेकिन अगर आपका बिजनेस जो है वो अच्छा नहीं चल रहा है, वो डिप्रेशन में है, वो ज्यादा अच्छा चल ही रिसेशन में चल रहा है वो, तो उस केस के अंदर ना डिमांड होगी, ना प्रोडक्शन होगी, ना आपके पास स्टॉक होगा, तो वर्किंग कैपिटल ऑब्वियसली बात है कि कम हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट है ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस कैसा है आपकी कंपनी का, फर्म इज प्लानिंग टू एक्सपेंड इट्स एक्टिविटी, वॉन्ट टू एड न्यू प्रोडक्ट रेंज, मोर वर्किंग कैपिटल ऑब्वियसली बात है। अगर आप अपनी कंपनी की ग्रोथ चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे अपनी कंपनी की जितनी भी एक्टिविटीज है उसको स्पैंड करना है, एक्सपैंड करना है, तो उस केस में क्या करोगे, आपको ज्यादा से ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिएगी। नेक्स्ट आप देखोगे सीजनल फैक्टर। अब इसमें बोल रहे हैं कंपनी को सेल्स थ्रू आउट द सीजन, उनका तो कॉन्स्टेंट रहता है वर्किंग कैपिटल, जो पूरे साल अपना सामान बेचते हैं, लेकिन वहीं पे अगर कंपनी टू सेल सीजनल गुड्स, अगर वो ड्यूरिंग सीजन बेच रही है और ऑफ सीजन बेच रही है, अगर उसका सीजन है एसी है, गर्मियों में बिकता है आप लोगों का, तो उसमें क्या होगा, वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिएगी, लोग ज्यादा चाहिएंगे, लेबर ज्यादा चाहिएगी। वहीं पर ही अगर आपका मान लो कि विंटर्स आ गई, उसमें एसी कम कब बिकते हैं, उसमें एसी ज्यादा नहीं बिकते, तो उसके अंदर लेबर आप कम कर दोगे, तो उस टाइम पे आपकी वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो ये चीजें देखनी पड़ती है, जब भी हम लोग अपना वर्किंग कैपिटल लगाते हैं ना, तो ये सारे फैक्टर्स आपको अपने माइंड में रखने हैं कि कहाँ पे वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा, कहाँ पे वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। नेक्स्ट इज योर टेक्नोलॉजी। अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हैं या फिर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हैं, अभी हम लोग फिक्स कैपिटल में भी पढ़कर आए थे, वही सेम पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है क्लास। क्या अगर तो आप कैपिटल इंटेंसिव
तो आपकी वर्किंग कैपिटल तो कम लगेगी। क्यों? करंट का पैसा शॉर्ट टर्म पैसा कम लग रहा है, लेकिन आपको फिक्स्ड कैपिटल के अंदर ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आप कैपिटल इंटेंसिव कर रहे हैं तो। लेकिन अगर लेबर इंटेंसिव तो लेबर को पैसा भी तो देना है, रिक्वायर्ड इनफ कैश टू पे लेबर, लेबर को पैसा देना पड़ेगा ना, ज्यादा लेबर होगी तो वर्किंग कैपिटल इस केस में हमारी ज्यादा चाहिएगी। उसी तरीके से लेंथ क्या है आपकी प्रोडक्शन साइकिल की, ये भी हमें देखना है। अगर बड़ी है तो मोर वर्किंग कैपिटल, क्यों? बिकॉज इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। और अगर शॉर्ट है आपकी प्रोडक्शन साइकिल, अगर इन केस मेरी जो लेंथ है प्रोडक्शन साइकिल की वो छोटी है, ज्यादा टाइम नहीं लग रहा रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने में फिनिश्ड गुड्स में, तो उस केस में मुझे वर्किंग कैपिटल भी कम चाहिए बिकॉज लेस अमाउंट इज टाइड अप इन द इन्वेंट्री एंड रॉ मटेरियल क्लास। नेक्स्ट है मेरा क्रेडिट अलाउड। अब क्रेडिट आप अलाउड कहाँ ज्यादा कर रहे हैं, कहाँ कम कर रहे हैं, पहले इसका मतलब बता देती हूँ। एवरेज पीरियड फॉर कलेक्टिंग ऑफ सेल प्रोसीड्स, जब आप सेल करते हैं उसके बाद जब आप अपना क्रेडिट दे रहे हैं, क्रेडिट पे अगर आप सामान बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं क्लास, एवरेज पीरियड क्या है उस क्रेडिट पे बेचने के बाद कितने एवरेज पीरियड में आप अपना पैसा कलेक्ट कर पा रहे हैं, वो है आपका क्रेडिट अलाउड। लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, अगर आपकी क्रेडिट पॉलिसी लिबरल है, अरे कोई बात नहीं पैसा आ जाएगा पैसा आ जाएगा, ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, उस केस में वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। भी पैसा तो चाहिए ना, चलो उधारी पे आपने दे दिया, किसी को बोला वो मुझे 12 महीने बाद दे देगा, कोई मुझे 15 महीने बाद दे देगा, लेकिन जो 15 महीने के अंदर आपको वर्किंग कैपिटल भी तो चाहिएगा ना, पैसा भी तो चाहिए आपको, तो वर्किंग कैपिटल यहाँ पे ज्यादा लग जाता है। पेमेंट रिसीव्ड आफ्टर सम टाइम ऑफ सेलिंग गुड्स। लेकिन अगर स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी है कि नहीं, अगर हमने किसी को उधारी पे सामान बेचा है, उसने हमें 2 महीने के अंदर अंदर वापस नहीं किया पैसा, तो आपने क्या करा कि उसको आपने कॉल करनी स्टार्ट कर दी, उसके खिलाफ केस कर दिया, जो भी है, अगर आपकी जो आपकी क्रेडिट पॉलिसी स्ट्रिक्ट है, तो उस केस में आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि सामान बेचा पैसा आया, ये आप लोग अपना अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का क्रेडिट अवेल। क्रेडिट अवेल के अंदर क्या कह रहा है, हाउ मच एंड फॉर हाउ लॉन्ग कंपनी इज गेटिंग क्रेडिट फ्रॉम इट सप्लायर। अब कितने टाइम के लिए उसे सप्लायर से क्रेडिट पे सामान मिलता है, हाउ मच कितना और कितने टाइम के लिए, हाउ लॉन्ग कंपनी इज गेटिंग क्रेडिट फ्रॉम इट सप्लायर, सप्लायर से वो कितना और कितने लंबे अवधि के लिए अपना सामान जो है उधारी पे ले सकती है कंपनी। अगर शॉर्ट पीरियड के लिए ले सकती है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए टू मेक पेमेंट टू सप्लायर, क्योंकि सप्लायर को मुझे पेमेंट करनी है। लेकिन अगर लॉन्ग पीरियड के लिए ले रहे हो तो आपको लेस वर्किंग कैपिटल की नीड है, फिर आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की नीड नहीं होती है। उसी तरीके से नेक्स्ट है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी के अंदर वो बोल रहे हैं आपकी एफिशिएंसी हाई है, मतलब आप जल्दी जल्दी ऑपरेटिंग आपकी जो क्या कहते हैं जो आप लोग प्रोडक्शन कर रहे हो वो आपकी बहुत ज्यादा हाई है, एफिशिएंसी हाई है उसकी, तो आपकी वेस्टेज कम हो रही है, खर्चा कम लग रहा है, तो वर्किंग कैपिटल भी कम यूज होगी। वहीं पर अगर लो एफिशिएंसी है तो उस केस में आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा यूटिलाइज करना पड़ेगा। अभी हमारे 3 पॉइंट और है, वो देखते हैं नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट आपका पॉइंट है पॉइंट नंबर 12, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अब आपको कितने रॉ मटेरियल की जरूरत है आपको ये भी देखना है। इजीली अगर अवेलेबल हो रहा है आपको, आपको कैसे वो हो रहा है रॉ मटेरियल, अगर इजीली अवेलेबल हो रहा है या इजीली अवेलेबल नहीं हो रहा है, ये भी चीज मैटर करती है। अगर इजीली अवेलेबल हो रहा है आपको रॉ मटेरियल, देन आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको सामान स्टॉक में रखने की जरूरत नहीं है क्लास। इट मीन्स नीड नॉट टू मेंटेन लार्ज स्टॉक, तो उस केस में आपको स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे मुझे एक लार्ज स्टॉक बना के रखना पड़ेगा कि यहाँ पे मुझे वर्किंग कैपिटल आगे स्टॉक मिले ना मिले। तो वहीं पर ही वो ये बोल रहा है अगर इजीली अवेलेबल रॉ मटेरियल हर जगह मिल रहा है आपको, तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं है। और अगर नॉट इजीली अवेलेबल है, अगर आपको रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल नहीं मिल रहा क्लास इन केस, तो उसमें आपको मोर वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। क्यों? क्योंकि उस केस के अंदर यू हैव टू मेंटेन द लार्ज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तब आपको रॉ मटेरियल ज्यादा बल्क में अपने पास रखने की, स्टॉक में आपके पास आपको अपने पास रखने की जरूरत है। और अगर आपकी इररेगुलर सप्लाई है, ये इसी के स्लैश में है क्लास, कंफ्यूज मत होना। आगे बोल रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन। अब लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन कितना है क्लास, देखो अगर बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है आपकी कंपनी के साथ औरों की कंपनी का, तो कंपनी हैज टू अडॉप्ट लिबरल क्रेडिट पॉलिसी। उस केस में कंपनी को लिबरल क्रेडिट पॉलिसी वो करनी पड़ती है, अडॉप्ट करनी पड़ती है। सप्लाई गुड्स ऑन टाइम, टाइमली सप्लाई करो, वरना दूसरी कंपनी जो है वो सप्लाई कर देगी आपकी जगह पे, तो उस केस में हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, कैश की हमें ज्यादा जरूरत पड़ती है। वहीं पे अगर लो है या मोनोपोली है, आपकी कंपनी की मोनोपोली है, आपकी कंपनी का प्रोडक्ट और कोई कंपनी नहीं बेचती, तो उस केस में कंपनी कैन सेल गुड्स अकॉर्डिंग टू इट्स ओन टर्म, तो कंपनी अपनी मर्जी से बेचेगी सामान, जब उसका मन चाहेगा तब बेचेगी, तो उस केस में हमें कैश की ज्यादा नीड नहीं होती है। हो सकता है वो उस टाइम पे हमारी क्रेडिट पॉलिसी को भी स्ट्रिक्ट रखे, अगर
अगर इन केस उसकी मोनोपोली है या कंपटीशन जो है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग लो है तो। नेक्स्ट बोल रहे हैं इन्फ्लेशन। अब महंगाई का क्या है, देखो अगर राइज इन प्राइस बढ़ रहे हैं क्लास, तो प्राइस जो है रॉ मटेरियल का भी इंक्रीज होगा, रॉ मटेरियल का इंक्रीज होगा, कॉस्ट को जो लेबर है लेबर की कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, और अगर लेबर की कॉस्ट इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली बात है कि वर्किंग कैपिटल तो बढ़ ही जाएगा, आपको कैश की तो जरूरत चाहिए पड़ेगी। अब वहीं पर वो बोल रहा है बट इफ कंपनी इज एबल टू इंक्रीज प्राइस ऑन इट्स ओन गुड्स, अगर कंपनी अपनी मर्जी से प्राइस बढ़ाए तो उस केस में लेस प्रॉब्लम ऑफ वर्किंग कैपिटल, उस केस में आपको वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम नहीं आएगी क्लास। सो क्लास यहाँ पे हम लोगों का जो चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो खत्म होता है, एंड आई होप कि जो आज के वीडियो के अंदर हम लोगों ने दो मेन टॉपिक करे हैं, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, किस तरीके से फिक्स्ड कैपिटल आप लोग चूज करेंगे कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, उनके फैक्टर्स हमें कौन कौन से माइंड में रखने हैं, उसी तरीके से हमने वर्किंग कैपिटल के 14 फैक्टर्स देखे कि किस तरीके से किन किन फैक्टर्स को माइंड में रख के कहाँ पे वर्किंग कैपिटल की ज्यादा नीड है और कहाँ पे वर्किंग कैपिटल की कम नीड है वो हमने सीखा। सो क्लास आई होप कि ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया प्लीज राइट मी इन द कमेंट बॉक्स कि कौन सा टॉपिक आपको समझ नहीं आया, मैं दोबारा उसकी वीडियो बनाऊंगी आपको भेजूंगी ताकि वो टॉपिक आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। एंड प्लीज क्लास लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग उठाने वाले हैं वो आप तक इजीली पहुंच सके। थैंक यू क्लास।